सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक फुल मॉक टेस्ट जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, जो कि हमने एक, मैं आपको बता दूं कि मेमोरी बेस्ड सिलेबस पे हमने इसको तैयार करा है। और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज रहेगी 50 मार्क्स की, और रीजनिंग मैथ रहेंगे 20-20 मार्क्स के, इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, और हमने इसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी पिकअप किया जो कि हम आपसे 10 मार्क्स का यहाँ पर रखे हैं। तो वीडियो को पास कर करके आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आज का जो मॉक टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे यहाँ पे कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो JKSSB के जितने बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस जो है वो हमने कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम पे मिलता जुलता रखा हुआ है। जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम होंगे अपकमिंग, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पास एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रख लें कि लास्ट में आपका 120 में से कितना स्कोर बनेगा वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट आज का हमारा। सो गाइस, ये वो मॉक टेस्ट था जो हमने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाया। फिलहाल तो ये मैं आपको बता दूं कि 7 जून 2024 को ये कंडक्ट कर चुके हैं हम फाइनेंशियल क्लासेस इंस्टीट्यूट में, जिसका रिजल्ट आपने देखा, रिव्यू वीडियो भी देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मार्क्स के रहने वाले हैं और 120 मिनट्स का ये रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं जल्दी जल्दी ही इसको चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को पास करके भी आंसर मार्क कर सकते हो कि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम पे वाइसराय कौन थे इंडिया के। सो राइट ऑप्शन विल बी लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नाउन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से एक विटामिन है जिसको हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास इज यूज टू असेस द कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन। जम्मू रीजन से हमें अगर कश्मीर में वैली में एंटर करना हो तो कौन सा पास जो है एक्सेस यानी कि क्रॉस करना पड़ता है, तो वनिहाल पास विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द कनेक्ट्स द तमिलनाडु विद केरला। कौन सा यहाँ पे पास है जो कि लोकेटेड करता है वेस्टर्न घाट्स और कनेक्ट करता है तमिलनाडु को केरला के साथ। सो इसको हम बड़ी बार क्वेश्चन को डिस्कशन करें हैं, पलगट कैल विल द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इनमें से कौन सा एक डांस जो है वो तमिलनाडु स्टेट से एसोसिएटेड है। सो राइट ऑप्शन विल बी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस इंडियन एपिक महाभारता। महाभारता किस ने द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन विल बी द व्यासा। इनका पूरा नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, व्यासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the term for species that are native to a specific location and found nowhere else in the world? So it call will be endemic species. Recently which payment bank is banned by the RBI? Recently bank ne RBI ne ban kar diya kis payment bank ko, Google Pay ko, Phone Pay ko, Paytm payments ko ya fir Yono ko. So right option will be C option, Paytm banks ko band kar diya gaya tha. हु वॉन द IPL 2024 फाइनल। 2024 का जो फाइनल IPL ने जीता, कौन सी टीम ने ये जीता। सो ऑप्शन के, कलकत्ता नाइट रीडर्स। गंगा रिवर्स फ्लो थ्रू विच टू कंट्रीज। गंगा जो रिवर है फ्लो करती है कितनी कंट्रीज़ के थ्रू। सो इंडिया और बांग्लादेश को में ही हमें ये देखने को मिलती है फिलहाल के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट। C4 प्लांट यहाँ पे कौन सा है, तो मेज विल बी द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड। लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है का वो कहाँ पे है, तो अमेजन की बात करते हैं तो ब्राज़ील विल बी द आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई आइलैंड इज लोकेटेड इन। हवाई नाम का आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशन विल बी द आंसर। अंचार लेक लोकेटेड इन, ये अंचार जो लेक है इसके बारे में जम्मू कश्मीर में लाइक करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू वॉलकैनिक आइलैंड्स लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी आर। टू वॉलकैनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी में, कौन कौन सा, बैरन और नारकोडम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन इंडिया। इट डज नॉट, सॉरी, ओरिजिनेट इंडिया से ओरिजिनेट नहीं है इसका। सुब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट इंडिया से नहीं है। कोयना डैम जो है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन बिहार। बिहार की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कन्वर लेक विल बी द आंसर। विच इंडियन स्टेट्स शेयर इस बॉर्डर विद द थ्री कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सी स्टेट है जो नेपाल के साथ, भूटान और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। सो राइट ऑप्शन विल बी द सिक्किम।
इन विच ईयर वाज वर्ल्ड मिल्क डे फर्स्ट इस्टेब्लिश, यानी कि मिल्क डे बनाया जाएगा, किस डे को रखा गया था ये। सो ऑप्शन विल बी द बी 2001 में। अब यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी एजुकेटेड रूरल पीपल आर एम्प्लॉयड, एजुकेटेड रूरल पीपल एम्प्लॉयड्स कितने हैं। कहने का मतलब कि एजुकेटेड, ये एजुकेटेड है, ये एम्प्लॉयड है और ये रूरल है, यानी कि ऐसा पोर्शन देखना चाहिए। यहाँ पे ये तीनों लाइक करें, इस पॉइंट पे कौन कहाँ पे लाइक करें। सो एक ही पॉइंट देख रहा है मुझे, वो है यहाँ पे सिक्स आपका लाइक कर रहे हैं। सो ऑप्शन सिक्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड रिलेट कर रहा है विंग्स के साथ, वर्ड्स जो है विंग्स के साथ फ्लाई करता है। तो द सेम वे द फिश इज रिलेटेड टू, फिश जो है वो किसके थ्रू आगे की तरफ मूव करती है। सो वी कॉल इट पिन फिंस। सो फिंस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट, ऐसा नंबर जो कि इसके साथ रिलेट कर रहा हो। कहने का मतलब 8 का रिलेशन 19 से, 19 का रिलेशन 30 से। किस तरह से भाई, देखो 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 टाइम करते हो तो 8 टू जो 16 होता है, 16 प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सेम केस 8 का रिलेशन फिर से 30 के साथ बनाओ कि 8 थ्री जो होता है 24, और 24 प्लस 3 का डबल 6 कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चे, 30 हो जाएगा। इट मीन्स कि ऐसा नंबर जो होगा उसमें ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो वो नंबर कौन सा है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। सो सबसे लास्ट में स्टार्ट करते हैं, 6 थ्री ज़ा 18, 18 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 21, फिर 6 टू ज़ा 12, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा, 2 के साथ ही करना पड़ेगा। हाँ 12 टू ज़ा कितना होता है, क्योंकि 12 टू ज़ा होता है 24 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और 36 प्लस कितना 1 का डबल 2 तो 38 आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो चुका है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल रिप्लेस द मार्क क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे क्या सीरीज यहाँ पे बनेगी, जी के बाद जे, जे के बाद एम, एम के बाद पी, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। देखो इसके सीक्वेंस वाइज इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसमें मेरे ख्याल में एस पी जे बनना चाहिए। सो गैप लेके ही आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग इन द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज में कौन सा नंबर जो है कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सामने दिख रहा है ये कि जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये किसका 5 का क्यूब है, ये 6 का है, और 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, यानी कि ये 344 जो नहीं होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट विन सिक्वेंशली प्लेस्ड इन द गैप्स, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। इनके पेयर बना के आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सी कहीं आपको दिख रहा है, सी आपको कहीं नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखो कि सी ए, इसके फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि पेयर बनाने पड़ते हैं, पेयर के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। मैंने छः के पेयर बना दिए, 1 2 3 6 के पेयर और ये 6 के पेयर, यानी कि बी ए बी, बी ए बी, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या आएगा बच्चे, बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सी के बाद आ रहा है डी, ए के बाद डी, तो यानी कि डी और सी और बी, सी बी, डी सी बी सी बी। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के बाद बी, ई जे क्यू, उसके बाद क्या आएगा, पूरी ए बी सी लिख लो आप, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ए बी सी लिखनी पड़ती है। ए के बाद आया बी, ठीक है, 0 का गैप, फिर उसके बाद बी के बाद कौन आया, ई, यानी कि 2 का गैप लिया इसने, ठीक है, फिर उसके बाद ई के बाद आया जे, 2 और 2, 4 का गैप लिया, यानी डबल ओवर है, 2 का फिर 4 हुआ, फिर उसके बाद जे के बाद क्यू कब आया, 2 का गैप, 2 का 4 और 2 6 का गैप लेके, यानी कि आगे वाला नंबर को क्यू के बाद कितने का, 12 का गैप लेगा, 2 2 4 2 6 8 और
सॉरी मैंने कितना करा, दो दो इंक्रीज़ हो, सॉरी एट का गैप लेगा और आठ का गैप लेके ये जेड को फॉलो कर लेगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अब यहाँ पे विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, कौन से दो साइंस को चेंज करके इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना कि डिवीज़न वालों को देखना होता है, क्योंकि डिवीज़न अगर उल्टी सीधी हो गई, देखो ये जो है ना 4-5 से कभी डिविजिबल होगा नहीं, तो इट मीन्स ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सो आपको इसको करेक्ट करना है, 14 प्लस मल्टीप्लाई और डिवीज़न का गेस को मैंने पकड़ा है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 18 डिवाइड में 2, देखते हैं कितना आता है, 9 बार ये कट जाएगा, 4-5 का कितना होता है 20 होता है बच्चे, और 14 ये हो गया 34, 34 माइनस 9 25। सो मेरा एक ही ऑप्शन पर करते हैं, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सेलेक्ट द फिगर दैट कल विल कम नेक्स्ट, कौन सी यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर बनेगी। देखो इसको अगर आप देखो सर्कल को, दूसरी फिगर में डाउन पोर्शन में आ गया यानी कि नीचे आ गया, स्टार भी यहाँ पे नीचे आ गया और इसका उल्टा हो गया, तो इट मीन्स ये स्टार यहाँ पे ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट में यहाँ पे, और ये सर्कल भी यहाँ ऊपर चला जाएगा, और ये जो ब्लैक शेड है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कि सर्कल की स्टार जो आपका ऊपर होना चाहिए, स्टार कौन सी साइड होना चाहिए बच्चे, ऊपर वाली साइड होना चाहिए, तो स्टार मेरा ऊपर वाली साइड ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ऐसी कौन सी फिगर जो है एम्बेडेड है आपकी इस फिगर में, तो ये ऑप्शन बी में मुझे नहीं दिख रही है, ऑप्शन डी में है बट हाफ है, रेक्टेंगल जो है स्केयर जो है हाफ दिख रहा है, सो इसमें भी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें मुझे सामने इस तरह का दिख रहा है बट इस तरह का नहीं दिख रहा है मुझे, सो इस तरह का मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में, ध्यान से अगर देखोगे। रोहन इज फेसिंग वेस्ट, रोहन का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ ठीक है, उसने क्या किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री जब वो क्लॉकवाइज करेगा तो इस डायरेक्शन तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर वन इस डायरेक्शन पे तो 180 डिग्री वो सीधा इस तरफ आ जाएगा, अब देन टर्न द 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा 225, यानी कि 180 प्लस 45 होते हैं 225, यानी कि जहाँ से वो आया था वो वहीं पे पहुँच गया जाके, सो कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, बेस्ट डायरेक्शन फेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का फिर से आ गया, बीमल स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने मूव करा 30 मीटर, आफ्टर दैट टर्न्स राइट, राइट उसने कितना किया 40 मीटर, ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट कितना करा, लेफ्ट उसको ऊपर की तरफ हो जाएगा बच्चे 35 मीटर, आफ्टर दैट शी टर्न्स राइट, राइट की तरफ उसने फिर से 40 लिया, राइट की तरफ उसने फिर से 40 लिया 40 मीटर, एंड देयर शी टर्न्स राइट, राइट की तरफ उसने मूव किया 35, और यहाँ पे ये 30 यहाँ पे वो आके रुक गया, अब कितना मेरा 85 यहाँ पे रुक गया, शी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर, 50 मीटर वो फिर से राइट की तरफ चल गया यहाँ पे, देन शी फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर राइट की तरफ, राइट यानी कि इसका ऊपर वाली साइड हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे वो पहुँच चुका है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम नाउ एंड विच डायरेक्शन रेफरेंस टू एट हर होम, उसके घर से अब वो कौन सी डायरेक्शन से और कितनी दूरी पर है, सीधी सी बात है कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर करा है ये 50 का है, ये यहाँ तक ये 40 का था, थोड़ा सा आगे ये पहुंच गया, ये डिस्टेंस जो कितना 10 का हुआ, नीचे जब ये आया 30 प्लस 5 ऊपर जब ये किया तो 20 का जब ये आया इस लाइन के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, अभी ये यहाँ की दूरी अगर देखोगे तो 10 तो ऑलरेडी कवर चुका है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो 30 है मीटर है, और कौन सी साइड पर है वो ईस्ट वाली साइड से, तो 30 मीटर ईस्ट आएगा, सो ऑप्शन
डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मिनिमल ऑर्डर. सो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा. सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले क्राइम होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि सर दूसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे क्राइम है, क्राइम करने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर उसको प्रिजन बनाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा. तो 523 523 ऑप्शन बी विल बी द आंसर. निकलो, ये इस तरह से चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी. वाई इंटरचेंजिंग द विच टू नंबर वैल्यू ऑब्टेन आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन विल बी 17 आनी चाहिए, जिस तरह से भी आप करके लाओ उसको. 7 + 8 होता है सर आपका 15, 15 डिवाइड नहीं होगा, 4 2 के साथ चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 और 7 2 7 9, 9 3 ज़ा 27 आएगा, 17 नहीं आएगा. 3 और 4 को इंटरचेंज करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके बाद 4 को आप चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि डिवीज़न का केस ही ख़त्म हो जाएगा. इसका मतलब आप 7 और 3 को चेंज करके देखो, 3 + 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई में 7, दो बार गया, 7 × 2 = 14, 14 + 3 = 17. सो ऑप्शन सी विल बी द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड बाई यूजिंग द गिवन लेटर्स. इन लेटर का यूज़ करके आपने कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. A N M O G O, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या बनेगा, मैंगो बनेगा, MANGO, मैंगो. M का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, A का 5 हो जाएगा, N का 7 है बच्चे, और G का यहाँ पे 3 है और O का 9 है. सो 85739 ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. गिवन सीरीज का बताइएगा, 61 और 73 का जो गैप रहता है वो बीच में कितना का रहता है, जल्दी से बताओ कि ये जो सर गैप रहता है 9 और ये सर रहेगा 14 का गैप है, ठीक है, 19 इसका और इसका बीच में गैप देखो कितना रहता है, ये रहेगा आपका जो गैप है ये 26 का गैप रहेगा, और इसका गैप अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे 42 का गैप लग रहा है, और इसका गैप अगर हम देखेंगे सो ये गैप जो है वो 60 का लग रहा है. हाँ 60 का ही है सर, बिल्कुल 60 का. इसका गैप एक और बार और फिर से ज़रा देखो ध्यान से, डबल गैप वाली सीरीज भी हो सकती है. 12 का गैप है इसका, यस सर नो यस. इसके बीच में अगर गैप देखोगे कितना आएगा, इसके और इसके बीच में जब गैप देखा तो कितना आया आपका, जल्दी से देखो. रीजनिंग में भी इस तरह की कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं, बैंकिंग ही है यहाँ पे. वेट एक मिनट, ठीक है 42 और 26 और 42 का गैप कितना है, इनका गैप होता है 16 का गैप दिख रहा है मुझे, और 42 और इसका कि 42 और 60 का गैप कितना होगा, 60 और 42 का गैप 18 का गैप दिख रहा है. कहने का मतलब कि ये कितना बढ़ रहा है, 26, एक बार इसको मैं फिर से चेक कर लूँ, ये 12 बढ़ रहा है, ठीक है, और ये कितना बड़ा है, -73, ठीक है, ये प्लस इससे 4 बढ़ गया, ये प्लस 2 बढ़ गया, ये कितना बढ़ेगा, प्लस 4 बढ़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 22 22 और 82 तो 280 सॉरी हमें 20 ये 281 के करीब करीब आंसर आना है इसका, शायद कैलकुलेशन में थोड़ी गलती होगी. सी डी का 144 है, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, 4 3 जो होता है 12, 12 का स्केयर होता है 144. उसके बाद जेड की होती है 26, ए की होती है 1,
26 इंटू वन करोगे तो कितना आएगा, 26 ही आएगा, 26 का स्केयर होता है 676, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। रेट का रिलेशन बन रहा है टी के बाद आर एस टी, आर के बाद क्या आता है एस आता है, ए के बाद बी और सी, बी सी डी आर है, टी के बाद क्या था यू बी डब्ल्यू एक्स, यानी कि तीन का गैप ले रहा है, जी के बाद कौन आएगा जी एच आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आएगा जे के एल आ जाएगा, आर एस टी यू बी आ जाएगा, एल एम एन ओ पी को लेके क्यू आ जाएगा, आई एल बी क्यू विल बी द आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू इज कोडेड एज द बी ए डी सी, जिस तरह से बोला गया वैसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, ड्यू टू यू उसके बाद ही इज ड्यू, ही इज है ना, उसके बाद इज ड्यू, इज ड्यू टू, यहाँ पे टू है नॉट टी सी, इज ड्यू टू, तो सिमिलर है, सो यू का कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो यू किस में है, तो यानी कि यू किसी में भी नहीं है फिलहाल के लिए कोड के लिए, जो जैसे इसमें कॉमन दिखेगा हम इसको काट देंगे, बी ए डी ए सी, बी ए भी यहाँ पे कॉमन था और बी ए कॉमन, ठीक है, और सी ए भी कॉमन, सी ए भी कॉमन, तो डी ए जो है वो कोड किसी का नहीं है, तो डी ए जो कोड है वो यू का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, गिवन ऑप्शन में से ऑड बताना है, अब यहाँ पे क्या पता चलेगा कौन सा नंबर किस, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, सो सबसे पहले इस नंबर को देखो कि 234, 23 जा कितना होता है 6 होता है, 64 जा होता है 24, 62 इंटू 2 करो 62 जा 12, 12 इंटू जा 24, 83 जा होता है 24, 24 टू जा होता है 48, 83 जा होता है 24, 24 वन जा होता है 24 ही होता है, सो ऑड कौन सा है 48 वाला, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ट्रिकी था क्वेश्चन ए, रीजनिंग जो थी वो अभी तक हमने कंप्लीट कर ली, 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ज़्यादा आपको पता ही है कि मैथ में ही ज़्यादा टाइम लगता है और रीजनिंग में थोड़ा सॉल्व करने में, तो कोशिश मेरी यही थी कि इसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, सो करते हैं स्टार्ट अप मैथ को भी धीरे धीरे। अ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इज 60% मोर इफिशियंट देन द ए, हाउ मैनी डेज बी अलोन द सेम वर्क, अगर मैं मार्क करता चलूँगा तो आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रही है हमें, इसलिए मुझे एक्सप्लेन भी आपको थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को किसी पर्टिकुलर देर में कर रहा है वो हमें नहीं पता है, ए किसी काम को किसी पर्टिकुलर डे में कर रहा है हमें नहीं पता है। सबसे पहले ये देखो ए और बी की इफ़िशेंसी के बारे में पता कर लेते हैं, बी की इफ़िशेंसी 60 ज़्यादा है किससे ए से, तो ए की कितनी होगी बच्चे 100 होगी, बी की कितनी होगी 160, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे 5 और ये कितना 8, यानी कि हमारे पास इफ़िशेंसी आ गई है दोनों की, हमारे पास इफ़िशेंसी दोनों की आ चुकी है ए की भी और बी की भी। नाउ ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, तो यानी कि जो इफ़िशेंसी के साथ काम कर रहा है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा आपके पास कितना 60। अब आपसे पूछ रहा है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, अब बी की इफ़िशेंसी के साथ टोटल वर्क को डिवाइड कर दो किसके साथ चला जाएगा 8 7 56, 7 करीब करीब आंसर आएगा, 7 6 56, 4 बच जाएगा तो 0 लगा दो, 8 के साथ चले 5 के साथ ये कट जाएगा, 7.5 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल फिगर कौन सी है कि ए बी डी है, आपको बाकी फिगर ए बी डी सी का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपको एक फिगर दी गई है इस फॉर्मेट में, ये पॉइंट मैं बी रख लूँ, ये ए रख लूँ और ये मैं डी रख लूँ, सो ये मुझे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये मुझे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया निकालने का, तो 1/2 तो मेरे पास है ही है फार्मूले का, बेस मेरा 6 है हाइट मेरी 4 है, काट दो इसको 3 टाइम, 4 थ्रीजा होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एरिया, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड दी एवरेज कॉस्ट ऑफ 19 आइटम्स 105 19 आइटम्स की जो एवरेज है वो कितनी है 105. इफ़ वन आइटम कॉस्ट 105 फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स. कहने का मतलब कि 19 आइटम्स की जो कॉस्ट है वो जो एवरेज कॉस्ट है वो 105 है. एवरेज कॉस्ट जो इनका पूरी अगर कॉस्ट की टोटल कॉस्ट की बात की जाएगी तो वो होगी आपकी मल्टीप्लाई करके 1955. ठीक है, 19 आइटम्स की. उसने बोला कि एक कॉस्ट एक चीज़ की कॉस्ट कितनी है 105 है, तो 105 है तो रिमेनिंग जो 18 आइटम्स बच जाएंगी उनकी आपने एवरेज बतानी है. इसको 105 माइनस कर दो, ये आपका 5 में से 0 98 180. तो अब इस 18 के साथ डिवाइड कर सकते हो कि 18 वन जो सर 18 डायरेक्ट कट गया और ये 5 इसके 5 के साथ, तो अगेन आंसर भी इसका क्या हो जाएगा 105 ही हो जाएगा. ठीक है, इन द गिवन पाई चार्ट द टोटल प्लेस ऑफ 180,000 हाउ मेनी प्लेस इन हॉकी एंड फुटबॉल. हॉकी और फुटबॉल में कितने प्लेस होंगे, हॉकी और फुटबॉल में कितने प्लेस होंगे. सबसे पहले आपको पूछा गया कि टोटल प्लेस कितने हैं, 180,000 है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि उसने हॉकी और फुटबॉल में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी हॉकी और फुटबॉल में. हॉकी की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ 8% है, 8% है, 10% कितना होगा इसका, 10% इसका होगा 18,000. और 1% कितना होगा इसका, 1% होगा 1800. अगर 1800 है तो आप इसको सर 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 8 64, 6 कैरी 8 1 8 और 6 1 4, 14,400 मेरा कितना आ गया 8% डेटा. उसके बाद मुझे बोला गया कि फुटबॉल, फुटबॉल का है 30%, तो 30% है तो 30% की वैल्यू यानी कि 10% 18,000 है, तो 3% इसको 3 गुना आगे ले जाओ तो कितना हो जाएगा 54,000. ओरली कर रहा मैंने, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. अब इनको प्लस कर दो, 0 0, ये 4, ये 8 और ये 6 8 4 0 0 विल बी द आंसर. 6 8 4 0 0 यहाँ पर टोटल प्लेस हो जाएंगे, 6 8 4 0 0 सी आंसर बिल्कुल सही. फाइंड द वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन दिया गया. सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना होता है, आपको ये लास्ट वाला जो दिया गया कि 225 किसका स्केयर रूट होता है, 225 जो होता है 15 का होता है, अंडर रूट खत्म हो गया. अब इसको 154 के साथ प्लस कर दो क्योंकि ये अंडर रूट में हो जाएंगे, इसको प्लस करके मेरा आया 169, ये टूट के आया मेरा 13. अब 13 जो है ऐड हो जाएगा 108 के साथ, किसके साथ, 108 के साथ. 8 और 3 कितने होते हैं 1 और ये 2 1. 121 किसका होता है, 11 का होता है. अब 11 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 11 के साथ कितना हो जाएगा ये 6 और 36. 36 भी टूटेगा किस में आएगा 6 में. 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा सर 16. 16 किसका अंडर रूट होता है सर 4 का, बहुत सी इजी क्वेश्चन था ऑप्शन ए. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. गिवन फिगर में आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपको एक पैलोग्राम कह सकते हो आप कि आपको गिवन है. इसमें किस तरह से हम ये क्वेश्चन निकालते हैं, देखो आपको इसके बारे में थोड़ा ज्योमेट्री का भी नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं बात करूँ कि कोरस्पोंडिंग एंगल तो यहाँ पे बात चलेंगी नहीं. एक पैलोग्राम में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है. एडजेसेंट एंगल का मतलब कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम किसके इक्वल होगा बच्चे, 180 डिग्री के इक्वल होगा. यानी कि एडजेसेंट एंगल ये भी तो हैं, इन दोनों का भी तो सम क्या होगा, यानी कि ऑपोजिट्स एंगल इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जाहिर सी बात है. और एडजेसेंट एंगल जितने भी होंगे उनका क्या होगा, 180 सम होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. अब करते हैं इसको स्टार्ट क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को करना कैसे था. इसको मैंने बोला कि मुझे 2x दिया गया है यहाँ पे, 2x माइनस 10. मैं करूँ कि 2x प्लस 50 कि ये दोनों का अगर मैं इनको मिलाऊँ x की वैल्यू को ऐड करके तो मेरा आएगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 के इक्वल होते हैं. अब ये 2x ये 2x प्लस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे. ठीक है, अब ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 50 है, इस कल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री. 4x ये माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ बड़े नंबर के साथ साइन किसका है, प्लस का है. गुड, 180 डिग्री.
अब क्या होगा कि 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री में 40 इस साइड जाएगा इज इक्वल टू में तो माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 140 तो x की वैल्यू कितनी आई 140 डिवाइड में 4, 4 थ्री ज़ा 12 और 4 फाइव ज़ा 20, सो 35 डिग्री यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आपकी आ गई। ठीक है, कैलकुलेटिव था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं। मोहा इज सेलिंग ए टेबल, मोहा ने एक टेबल को सेल किया एट द कास्ट ऑफ द 2832, इफ हिज प्रॉफिट इज 18%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। सीपी आपको निकालनी है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी। देखो एक फार्मूला होता है परसेंटेज का, एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई में ऑल जो कि हमारी सीपी रहती है इज इक्वल टू में हमारी बी परसेंटेज निकलती है। ये एक ऐसा फार्मूला है परसेंटेज का, आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, ना किसी बुक पे मिलेगा, ये फार्मूला हमने खुद से बनाया। ठीक है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं पूरा क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करवाऊंगा। 2832 है यानी कि 18% उसको प्रॉफिट हो रहा है, कह सकते हो कि उसका कितना हो रहा है 18% यानी कि 18% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो भी इसमें इंक्लूड होगी और उसका प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होगा। कहने का मतलब कि मेरा 118 जो है इसकी परसेंटेज की वैल्यू जो है वो मुझे दी गई है कितनी है 2832। ठीक है, अब ये जो 118 है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, अब इसको आप डिविजिबल भी कर सकते हो कि ये किसके साथ कटेगा, ये कटेगा आपका 24 के साथ, पूरा का पूरा नंबर ये डिविजिबल हो जाएगा। अब ये वाले नंबर आपस में क्या कर लेते हैं, ये वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2400 आंसर इसका होना चाहिए। सीपी जो है मेरा क्या आ जाएगा, ए का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस जो कि 100% रहती है हमेशा, तो 2400 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। देखो 7 प्लस 1 कितने हुए बच्चे 8 हुए, और 7 का कितना होता है 49 और माइनस का 7 इसकल टू कितना आएगा 49 में से 7 घटा लो कितना आएगा 49 से 7 को घटाया सर 42 प्लस 8 कर लो तो कितना आया 50 आया, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस इज स्पेंट ऑन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में टोटल कितना एक्सपेंसिस कितना खर्चा हुआ है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है 60 डिग्री मेरा खर्चा हुआ है लाइब्रेरी में, तो टोटल डिग्री कितनी होती है 360, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 कर दो, 00 आपस में कट जाएगा 6 से कटा 6 बार, अब ये 100 डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, 6 वन जैसे 6 होता है, फिर आ गया आपको 40 डिवाइड बाई 6, 6 36 भी होता है सर, बिल्कुल सर होता है, 40 फिर से आ गया पॉइंट लगा दो 16.6% आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 का सबसे पहले स्केयर क्या होता है, आपको सबसे पहले 18 का स्केयर भी पता होना चाहिए सर, 18 का जो स्केयर होता है वो कितना होता है 324 होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, अब इसका क्यूब भी निकालना है सर, क्यूब तो अभी नहीं पढ़ा हमने। देखो 18 जो है वो किससे बना है, एक तो 10 से दूसरा 8 से बना है, अब इस 324 को एक बार और मल्टीप्लाई करना है 18 से, मैंने क्या किया मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया ये वाला, अब मुझे रह गया इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर मैंने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 4 से कितना होता है 32, 3 कैरी, 8 2 से 16 और 3 19, 1 कैरी, 8 3 से 24 और 2 5 2 9 2 5 9 2 जो मेरा आया 2 13 1 8 और 5 5 8 3 2 मेरा क्या आया क्यूब आया किसका 18 का, 18 का क्यूब कितना है बच्चे 3 2। अब मुझे इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट डिजिट मेरा 4 आना चाहिए, सभी के क्वेश्चन में क्या है 4 यूनिट डिजिट है एंड वाले डिजिट है, 7 2 14 होता है 1 कैरी, 7 3 21 और 2 यानी कि 24 होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एज ऑफ द फादर एंड सन इज 60 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो
फादर वॉज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज सन, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। आज के टाइम पे अगर फादर और सन की एज का हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 60। कितना आएगा? 60 आएगा। 5 years एगो की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट एज सन की एक्स है, फादर की कितनी है? वाई है। वाई की नहीं मानूंगा मैं यहाँ पे। सन की एज एक्स है, फादर की एज कितनी है? वाई है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सॉरी अभी फादर की एज नहीं है हमारे पास दोनों में, तो एक्स प्लस फादर की एज किसके इक्वल हो जाएगी? 60। इन दोनों की एज का सम कितना है? 60 है। अगर मैं बोलूँ कि फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज होगी 60 माइनस एक्स होगी, जो होगी फादर की एज होगी। उसने बोला कि 5 years एगो फादर एज, ठीक है, फादर एज वॉज 4 times एज ओल्ड एज सन, 5 साल पहले। यानी कि मैं कैसे लिखूँ उसको अब, कि मैं लिखूँ कि 4 times 5 साल पहले, सो 60 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक, 5 साल पहले ये किसके इक्वल था? 4 time अपने बेटे की एज के इक्वल था, अपने बेटे की एज के इक्वल था। बेटे की एज क्या थी उसकी? एक्स माइनस फाइव, उसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी। 60 माइनस एक्स माइनस 5 इजकल टू 4x का 4x, और 5 4 20, ठीक है, और ये x इस साइड 5x प्लस हो जाएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं, सॉरी 60 माइनस ये 55 हो जाएगा, 55 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 75। तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है 15 दिख रही है फ़िलहाल के लिए। तो यानी कि बेटी की एज, प्रेजेंट एज कितनी है? 15 है। सो आपका भी क्या 51 का क्या आंसर आया? 15 आया, तो 15 आंसर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन, 5 years एगो मैरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज जैन, हाउ ओल्ड जैन्स नाउ, जानने की अभी एज कितनी है? मैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन, मैरी की जो है कितनी है? दुगनी है जैन से। मैं लिखूं कि एम की जो एज है वो 2 गुना है जैन की एज के, ठीक है, 5 years एगो मैरी वॉज 3 times एज ओल्ड, ठीक है, एम माइनस 5 years एगो ये किसके इक्वल थी? मैरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज जैन, 3 times 2j-5, ये उस टाइम इतना थी उसके, एम माइनस 5 एज इट, 3 times 6 6j और माइनस 15, ठीक है, माइनस कितना? 15। इसमें शायद फॉर्मेट गलत हो गया। आपका क्या आंसर आया इसका जल्दी से बताइएगा। अब देखो ऑप्शन अप्रोच से करना हो तो इसको हम भी वो भी कर सकते हैं, मैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन, आज के टाइम पे ट्वाइस है, कहने का मतलब कि मैरी एज ओल्ड एज ट्वाइस, मैरी की जो एज है और जैन की है, ट्वाइस इज ओल्ड एज जैन, जैन की रेशो क्या है? 1 है, इसकी रेशो 2 है, 5 years एगो 5 साल पहले मैरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज जैन, 5 साल पहले मैरी जो थी वो 3 इससे ज़्यादा थी, ठीक है, जैन से इतनी थी। अब रेशो को इक्वल भी करने की बारी आ गई है, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 times 6, सॉरी ये एज इट रहेगा, 3 1 1 और ये 2 times 4 हो जाएगा, और 2 times 2, यानी कि 5 साल में 1 रेशो बढ़ी है, 5 साल में 1 रेशो बढ़ी है। तो प्रेजेंट किसकी एज पूछ रहा है? जैनी की एज पूछ रहा है, तो 5 times 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन, लॉन्ग मेथड यहाँ पे काम नहीं करा, ये मेथड काम करेगा। रेशो ऑफ द टू एज ऑफ 2 friends इज 3:5, 6 years एगो द रेशो ऑफ दियर एज वास, ये हो जाती है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आज के टाइम पे एक
पर्सन की, 2 पर्सन की रेशियो है 3:5। 6 ईयर है गो, 6 साल पहले उनकी रेशियो थी 1:2। व्हाट आर द करंट एरियस, इनकी कितनी होगी? माइनस 6 साल अगर पीछे जा जाऊँ तो इनकी रेशियो ये थी। रेशियो इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करने के लिए इसका डिफरेंस लीजिएगा, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। अब रेशियो जो न्यू निकल के आई वो कितनी आई, 3:5 तो आई आई, और 2:1 = 2 और 2:2 = 4, यानी कि 6 साल में एक रेशो बढ़ी है, 6 साल में एक रेशो बढ़ी है। सो 6 3 हो जाएगा 18, 6 5 हो जाएगा 30। तो कितना एज है, 18 और 30 एज होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ए कार ट्रेवल्स 24 to 40 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल टेक। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें इसका स्पीड निकालनी पड़ेगी, ये कितनी बार इसको काट देगा, 60 बार, ठीक है, 60 बार। सो ये कितनी बार इसको काट देगा, 6 बार। सो ऑप्शन 6 आवर्स में पूरा कवर कर लेगा। 12 वर्कर्स किसी काम को 50 डेज में करते हैं, और हाउ मैनी डेज़ की 20 वर्कर्स उस काम को एक्स डेज में करेंगे। सो ये कितनी बार कटेगा, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, इसने काट दिया इसको 3 बार, 3 3 9 डेज में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। कार कंज्यूम 8 लीटर्स ऑफ फ्यूल, डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स। एक कार जो है 120 किलोमीटर चलाई पर 8 लीटर फ्यूल को ख़त्म कर देती है। तो बताओ कि 180 किलोमीटर का जब हमने ट्रैवल करना है तो कितना ऑयल हमें फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। 120 को अगर काट दो 8 के साथ तो 15 बार ये चला जाएगा। सो यानी कि 1 लीटर पे वो 15 किलोमीटर चलती है, तो 180 किलोमीटर 15 के साथ डिवाइड कर दो, किसके साथ जाएगा, 12 के साथ, ईजिली कट जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इतने छोटे छोटे नंबर आपको क्रैक करना चाहिए। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द बास्केटबॉल और हॉकी के बीच में, कितनी है अगर आपकी 18,000 आपके प्लेयर्स हैं। किस किस में पूछी गई है, बास्केटबॉल में ना, हॉकी की अगर मैं बात करूं और बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं, 18 है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, बास्केटबॉल और हॉकी, बास्केटबॉल 18% है और हॉकी कितनी है, 8% है। परसेंटेज ख़त्म, 18 का हाफ 9, 8 का हाफ 4, तो 9:4 रेशो बननी चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। प्रोड्यूसर ओरिजिनली प्राइज्ड एट द $200 इज ऑफर्ड एज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो कि किसी प्रोडक्ट की MRP है 200, उसको ऑफर किया जाता है 15% डिस्काउंट। 15% डिस्काउंट का मतलब कि 10% इसका 200 हो जाएगा, 10% 200 का 10% हो जाएगा 20, और 5% हो जाएगा कितना, 10। तो 10 + 20 = 30 को माइनस कर दो 200 में से, तो 170। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं आंसर को निकालने की। तो 170 में प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। प्राइस ऑफ बुक का रिड्यूस किया जाता है 20% एंड न्यू प्राइस हो जाता है 16। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ये इसमें जो फार्मूला है वो आपका लगेगा x upon में 100, ओरिजिनल नंबर 100% वाला और b। सो किसी नंबर को रिड्यूस किया जाता है 20%, यानी कि किसी नंबर को रिड्यूस किया जाता है 20%। अब नंबर कितना है हमारे पास, 80% है डिवाइड में 100। एक्चुअल में नंबर हमें नहीं पता है। अब नंबर हमारे पास कितना बचा है, 16 बचा है, और ये 16 काट देगा 80 को 5 बार, 5 काट देगा 100 को 20 बार। सो 20 विल बी द आंसर, ए बी ऑप्शन। बोलता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। लेंथ जो है रेक्टेंगल की इंक्रीज की जाती है कितनी बच्चे, 10%। ब्रेथ को डिक्रीज किया जाता है 10%। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैं कोशिश काम करता हूँ ना, ये मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ अपना। लेंथ मैंने मान ली कि इसकी कितनी है बच्चे, 100 है, और ब्रेथ कितनी है, 15 है। इसका अगर लेंथ इंटू ब्रेंथ एरिया निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, लेंथ और ब्रेथ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरा आएगा 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000 आएगा। उसने बोला कि आप एक काम करो, लेंथ
को इंक्रीज़ कर दो 10%। 10% जब मैं लेंथ इंक्रीज़ की तो लेंथ मेरी अब आपकी मेरी कितनी 110, ठीक है। और डिक्रीज़ करो ब्रेथ को 10%, तो 50 का 10% होता है 5। अब मेरी ब्रेथ वो कितनी होगी, 45 होगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 45 × 110, सो आपका आएगा 4950, यानी कि 50 से कितना कम हुआ बच्चे, 50 कम हुआ। तो 50 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5000, इफ सर 10% इज़ 500, 1% इज़ 50, तो इट मीन्स 50 इज़ 1% ऑफ 5000। सो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुई कि इंक्रीज़ हुई, सर डिक्रीज़ हुई। मैंने अगर यहाँ पे 100 रखा है, 50 रखा है, तो ये मत सोचना यही नंबर यहाँ पे फिट्स बैठेंगे। आप कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हो, जिसका मतलब बाद में आप 10% रिड्यूस और 10% इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने इजी नंबर रखे थे। सो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ ख़त्म होता है। अब जम्मू कश्मीर की जीके आ चुकी है। इन जम्मू एंड कश्मीर फिजियोग्राफी द आउटर प्लेन्स लोकली नोन एज, आउटर प्लेन्स को लोकली हम क्या बोलते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूँगा। सो बोथ ऑप्शन बी एंड सी बाजपत और आंध्रवा के नाम से इसको जानते हैं। सेक्रेट केव ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन सिचुएटेड स्लोबास्त्री कुट्टा माउंटेन, कौन सी स्लोप में ये लोकेटेड है। सो ऑप्शन यहाँ पे मिडल हिमालयस हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कश्मीरी लोकली नोन एज बुडार, बुडार के नाम से जिसको जानते हैं। सो ऑप्शन ए क्रेवा लैंड को हम इस नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल इज जम्मू लोकेटेड इन द विच रेंज ऑफ हिमालयस, शिवालिक रेंज में आता है, ऑप्शन सी स्टेपल नहीं आएगा यहाँ पे, स्टेपल आएगा सॉरी, स्टेबल नहीं आएगा। फूड ऑफ जे एंड के, स्टेबल जो फूड है जे एंड के का वो क्या है, राइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बुल इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज रन अलॉन्ग विद द बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना, काराकोरम रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग पास विच सेपरेट द कश्मीर वैली एंड लद्दाख, जोजीला पास। अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स हैव टू क्रॉस द पास नोन एज महागुनास पास, ऑप्शन सी मिडू ऑफ यूसेज जो है हम बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया था। ताजवस जो विल लाई सेंचुरी वो कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। हु इंटोग्रेटेड अटल ब्रिज जो अपना कठुआ में है, डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने किया था, उनका नाम क्या था वो कमेंट बॉक्स में बताएं। फाउंडर कौन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, उधम सिंह। ब्रेन निशांत जो कंसर्व रिजर्व है जम्मू कश्मीर का वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है, जिसको हम ई वर्ल्ड हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जगन्नाथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 2024, जगन्नाथ मेला जो गोल मेले वाली साइड हुआ है उधमपुर में। होली प्लेस ऑफ बाबा डांसर इज लोकेटेड डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड जम्मू रीजन में, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है जम्मू रीजन में, तो कोल्डेस्ट मंथ जो है वो आपका जनवरी माना जाता है। क्रॉप विच यूज एज बोथ फूड एंड फॉडर, फूड एंड फॉडर के लिए, सो मेज विल बी द आंसर। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन जम्मू एंड कश्मीर, पुलवामा विल बी द आंसर। इंटरनेशनल योगा सेंटर ये तो उधमपुर में, ऑप्शन बी। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अफेरिका, तो फर्स्ट इज एशिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल रिवर। नाइग्रा फॉल्स ड्रेन्स इन टू द वाटर फ्रॉम द लेक एरियो एंड लेक एंड ओंटारियो, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। डीपेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, और इसका डीपेस्ट जो ट्रेंच है वो मैरीना ट्रेंच है। बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड ट्रेड फॉर कॉमर्स के लिए अटलांटिक ओशन है। मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन द विच कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री के बीच में लाई करती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इंटरनेशनल लाइन से इनके बारे में पढ़ लेना, जैसे मैकमोहनो लाइन होगी, रेडक्लिफ लाइन होगी। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मौजोली रिवर है, आसाम में है ब्रह्मपुत्र रिवर। विच एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन्स द आयंस हेल्पिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन, सो ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, थर्मोस्फीयर। विच स्टेट डिवाइड्स द यूरोप फ्रॉम अफेरिका, तो गिब्राल्टर स्टेट। इंडिया डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, रशिया, भूटान, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे, सो CPU विल बी द आंसर। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए।
वॉट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइसेज कीबोर्ड इज द आंसर. मदर ऑफ ऑल ऑल लैंग्वेज किसको बोला जाता है? सी को. वट इज़ द एक्रोनियम रैम किस में स्टैंड करता है? रैंडम एक्सेसिस मेमोरी, ऑप्शन बी. फिशिंग क्या है? फिशिंग एक ऑनलाइन स्कैम है विच यूजर आर ट्रिक्ड इनटू प्रोवाइडिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देगा तो और आपको हैक कर लेगा. एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स. विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया. जी यू आई किस पे स्टैंड करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया हमारा इंग्लिश. गाइस इसको आप पास कर लो, ठीक है, क्योंकि इतना मैं पढ़ूंगा तो उसके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा. आप इसको अच्छे से रीड करो और वीडियो को पास कर लो, ठीक है, तो उसके बाद इसके आंसर पे आते हैं. तो वीडियो को पास करके आई होप आपने इसको पढ़ लिया हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस पैसेज में जो पूछा गया था, सो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा इसमें. सो यहाँ पे एडवेंचर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा. और दूसरा जो इसका आंसर है ऑप्शन बी. थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है. अब आते हैं कि शी वॉट, क्या आर्टिकल्स का क्वेश्चन आ गया. सो शी वॉट एन ऑरेंज ए बनाना, सो ऑप्शन बी विल द आंसर. डैश चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आउटसाइड. लिटल चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन, मच चिल्ड्रन, तो मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आउटसाइड. डैश बुक ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू माई सिस्टर, हर एक बुक जो शेल्फ पर है वो मेरी सिस्टर की है. रीअरेंज करो सेंटेंसेस को. अब रीअरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले आपको वन वाल वाला ही मुझे यहाँ पे मोस्ट दिख रहा है. द विलेज वाज नोन फॉर द ब्यूटीफुल गार्डन्स, ठीक है. उसके बाद दिस गार्डन, सो ऑप्शन फोर यहाँ पे होना चाहिए. वेयर इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर द लोकल्स, लोकल्स के लिए. एवरी ए टूरिस्ट, ठीक है. सो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जो है, विलेजेस टू ग्रेट प्राइड इन द मेंटेनिंग देम एवरी ईयर. तो लास्ट में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हर साल यहाँ पे टूरिस्ट अलग अलग कंट्री से आते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा. रीअरेंजिंग पे आ गया फिर से. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट ऑन ए कैंपिंग ट्रिप. दे वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लाइफ इन द वाइल्डनेस, ठीक है. टू के बाद फोर होना चाहिए. टू के बाद फोर ऑप्शन ए अगेन विल बी द आंसर. चूज अ करेक्ट प्रीपोजिशन टू कम्प्लीट द सेंटेंस. शी जम्प्ट डैश द रिवर, ऑन द रिवर, एट द रिवर, इन टू द रिवर, इन द रिवर. सो इन टू विल बी द आंसर. उसके बाद क्वेश्चन आता है शी इज़ वेरी गुड डैश प्लेइंग पियानो. इसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता बी एल डब्ल्यू में पूछा गया था, तो एट विल बी द आंसर होना चाहिए. द टीम सेलिब्रेट डैश विक्ट्री. क्या टीम ने किसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया? इट्स विक्ट्री. चूज द सिनोनिम ऑफ फियरलेस. फियरलेस का मतलब कि जिसको डर ना हो, बोल्ड बोलेंगे हम उसको, ठीक है. स्केट का डरा हुआ, टीममेट का डरपोक, कॉवर्डली का भी डरपोक. हार्डवर्किंग का सिनोनिम क्या होगा? हार्डवर्किंग का सिनोनिम हो गया डिजेंट. शार्प का एंटोनियो, अपोजिट वर्ड शार्प यानी कि अपोजिट का डल हो जाएगा. चूज द करेक्ट आई डैश वैन द फोन रैंक. जब फोन रैंक करा था, रिंग रैंग रंग, सेकंड फॉर्म पूछ रहा है, तो आप बताओगे मैं सो रहा था या सो रही थी जब फोन रिंग किया था, वाज स्लीपिंग. टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक टू क्लास. एरर आपने बताना है. ब्रिंग्स नहीं आएगा, ठीक है, टू ब्रिंग आएगा. ब्रिंग्स नहीं आएगा, ब्रिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब पे एक बार वो फॉर्म लगा चुका है. एक्टिंग जय, जयश हैज सेंट द ईमेल. जयश ने ईमेल सेंड करी. अब क्या होगा? द ईमेल क्या आएगा? द ईमेल हैज़ के साथ क्या आएगा? बीन लाएगा, सेंड बाय द जयश. सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. 18 टीचर शुड चेक द होमवर्क. द होमवर्क शुड बी चेक्ड बाय द टीचर, ऑप्शन ए.
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो, उसने कहा मैं कल लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न टू, सॉरी मैं लौटा नहीं दूंगा, मैं कल लौटूंगा, तो ही सेड दैट, विल का क्या आएगा, वुड आएगा, रिटर्न टुमारो, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट का, माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सो बी आएगा, मेरी मदर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी मी टू गो टू द शॉप, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सो गाइस, आप सभी लोग जितने भी ये मॉक टेस्ट आप सभी ने देखा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को हमने थोड़ा ऐसे निगलेक्ट करा, वो था आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत ही एक स्टोरी बेस पे है, बहुत ही इजी है ये अगर आप इसको पढ़ोगे। सो इसका मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और इसका आंसर के भी मैं आपको बता दूँ कि मॉक टेस्ट का जो आंसर के है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट था हमने एक इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करा था, फाइनेंशियल क्लासेस के नाम का इंस्टीट्यूट है उधमपुर में। सो वहाँ पे जो बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करा था, वीडियो आपने देख लिया होगा, तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इस टेस्ट में कैसा रहा। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होंगे हम कोशिश करेंगे, ये हमारा जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो फर्स्ट टाइम ये किसी एग्ज़ाम का फुल मॉक टेस्ट हमने यूट्यूब पर कंडक्ट करा है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा इसके लिए। अगर कल से अगर जेके एस एस बी अपना ऑफिशियल सिलेबस निकालता है जेके बी कॉन्स्टेबल के लिए, तो इसी तरह से हम आपके लिए भी एक ऑफिशियल बेस्ड हम आपके लिए टेस्ट लाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, हो सकता है कुछ चीज़ें जो होंगी माइनर टू मेजर चीज़ें चेंज होंगी आपके जेके बी कॉन्स्टेबल में, क्योंकि इसमें हमने वर्ल्ड की जीके, जेएनके की जीके, इंडिया लेवल की जीके भी रखी थी। सो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा जितना भी आपका इसमें स्कोर बना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, इसी तरह के मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।